तो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों एजुकेशन लाइफ में। तो आइए हम लोग 50वीं का स्टार्ट करते हैं, और सिर्फ लड़कों का क्यों चलेगा आज, और आज हम लोग साइंस देखेंगे कौन लड़का आ गया था। कमाल के बच्चे, खड़ा जाइए पहले। आपको बता रहा है बेटा प्रकाश क्या है, उदाहरण दीजिए। प्रकाश किसे कहते हैं दीदी? प्रकाश का सीधी रेखा में कौन करती है, बैठ जाएंगे। नेक्स्ट किरण क्या है? प्रकाश से कौन पर त्रिशा किरण कहते हैं। प्रकाश बोल क्या है? समय को प्रकाश कौन कहते हैं? देखिए खतरा खतरनाक आंसर दे रहा है। आप लिप क्या है? पता जो स्वयं प्रकाश उदित कैल्शियम से आत्मदीप पता कहते हैं। जैसे जैसे सूर्य तारे अधिक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं उसे आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। पत्थर टेबल कुर्सी इत्यादि। आपको बताना है सर प्रकाश के माध्यम क्या है? प्रकाश के माध्यम जो प्रकाश को अपने में से आर पार कर देते हैं उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे छाया क्या है? छाया प्रकाश के गमन पथ की दिशा में अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता, जिससे वहाँ पे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उस अंधेरे क्षेत्र को छाया कहते हैं। छाया कहते हैं, वेरी गुड, बढ़िया। प्रकाश का प्रवर्धन क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर एक अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वह किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या उस वस्तु से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस तरह प्रकाश की किरण को अपने माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्धन। प्रकाश का प्रवर्धन, बहुत सही बात, बढ़िया। प्रकाश के प्रवर्धन के कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्धन के दो नियम होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पड़ती हैं तो नियमित रूप से निश्चित अनुसार परावर्तित होती हैं, जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन, प्रकाश की किरणें अनिश्चित रूप से रुखड़ी और चमकीली सतह पे पड़ती हैं तो अनियमित रूप से परावर्तित होती हैं। सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में सिर्फ दो अंतर बताइए। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक सतह से बनता है जबकि हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। वेरी गुड। प्रकार के होते हैं, नाम बता दीजिए। हाँ बोलिए। वेरी गुड। गोले दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दोनों दुनिया को स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की जरूरत होती है जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और क्या तुम्हारा चमक दर्पण का सतह भारत बाहर से रंगा होता है, उत्तर दर्पण का सतह भीतर से रंगा होता है, अवतल दर्पण को प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, उत्तर दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। लेंस किसे कहते हैं? एक ऐसी प्रकाशीय युक्ति जो कि प्रकाश के अपवर्तक की सिद्धांत पर काम करती है, उसे लेंस कहते हैं। किंडल प्रभाव क्या है? पोलराइजिंग द्वारा प्रकाश की प्रयोग के जब प्रकरण में उस प्रभाव को किंडल प्रभाव कहते हैं। इसे बोलो साफ साफ करिए। पोलराइजिंग द्वारा प्रकाश की प्रकीर्ण परिघटनाओं को प्रदर्शित करने वाला उस प्रभाव को किंडल प्रभाव कहते हैं। बड़े विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? ऐसी धारा जिसमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, विद्युत परिपथ कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसे लगातार विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। अंतर किसे कहते हैं? ये देखिए तीन तीन लड़का जो इसका आंसर दे दिया और वो क्या दे दिया। चल भाई, दो विभवों के बीच की दूरी की बात करते हैं। उत्तर दर्पण में खाली एक आंसर बता दिए। उत्तर दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है, उत्तर दर्पण की परावर्तक सतह ऊपरी रहती है, अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब का निर्माण करता है, उत्तर दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कभी दर्पण काल्पनिक। दर्पण किसे कहते हैं? और एक तथा रंगा होता है वह दर्पण कहलाता है।